कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न का उन्होंने दावा किया है। जल शक्ति विभाग में गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर है और इन आरोपों का खंडन किया गया है। सरकारी सूत्रों ने इन आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें कि परफॉर्मेंस से प्रेरित था, ना कि जाति से। आपको बता दें कि एक सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि उन्हें अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जल शक्ति विभाग में गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है और सरकारी सूत्रों के हवाले से ये इस पर रिएक्शन मिल रहा है और सरकारी सूत्रों ने इस आरोप का खंडन किया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोडी जी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, सबसे पहले तो जरा तफसील से बताइए, ये खबर आखिर क्या है? क्यों अनुसूचित जाति के आधार पर उत्पीड़न का आरोप इन आईएएस अधिकारी ने लगाया है और फिर जो अपडेट हमारे पास आया है सरकारी सूत्रों के हवाले से जिसमें इन आरोपों का खंडन किया गया है? देखिए जिसमें जब से इस अधिकारी, जिनका ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अशोक परमार इनका नाम है, ये गुजरात के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर हैं। 1996 में इनका जो है ये अपॉइंटमेंट हुई थी एसडीएम मेंढर के तौर पे, तब भी इनके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स थी और तब के जो चीफ सेक्रेटरी थे बीआर कुंडल, उन्होंने भी इनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया था और इनके परफॉर्मेंस का जो रिव्यू था, जिसका जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जिसके नीचे साइन बीआर कुंडल आईएएस जो उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे जम्मू जोन के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इनके खिलाफ जो है पत्र लिखा था और कहा था कि इनका जो परफॉर्मेंस है एज एसडीएम मेंढर वो भी बिल्कुल जो था इनएफिशिएंट था और जो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू था उस पे ये कहा गया था कि इन पे इनको काम करना नहीं आता। तो अभी कुछ दिन पहले अशोक परमार ने एक खत लिखा था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, जिसमें ये कहा था कि उन्हें समय से पहले ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि वो एक ऐसी जाति से आते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। लेकिन आज हमें सरकारी सूत्रों ने ये बताया है कि अशोक परमार के साथ जाति के भाव पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सरासर उनका जो है उनकी वहम है। उन पे जो भी एक्शन लिया गया था वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे था। इन पे जो परमार हैं, इन पे कई तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं, जैसे कि जब तत्कालीन जो एमएलए थे उधमपुर के, जब ये उधमपुर में डिविजनल डेप्यूटी कमिश्नर थे, वहां पर भी जो हर्षदेव सिंह फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और एमएलए थे वहां के, उन्होंने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी अशोक परमार के अगेंस्ट। अशोक परमार पे जो तब के गवर्नर थे उन्होंने भी इन पे कार्रवाई की थी और कई इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं। हालांकि अगर आप देखें, एक काफी संगीन आरोप अशोक परमार पे ये भी लगा हुआ है, मैं आपको पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूँ, जिसमें ये कहा है देयर वेर ऑल्सो मल्टीपल कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग प्री मैच्योर ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड्स ऑब्टेंड इंडिकेट दैट द ऑफिसर हैज रिजॉर्टेड टू 398 नंबर ऑफ ट्रांसफर्स अफेक्टेड विदाउट ऑथराइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द ट्रांसफर विंडो वाज क्लोज। तो ये एक देखिए संगीन आरोप लगा है इन पे कि इन्होंने लगभग 398 लोगों की मुलाजमों की ट्रांसफर की विदाउट एनी ऑथराइजेशन, कोई भी अनुमति लेने के बिना अपने सीनियर से, और ये ट्रांसफर तब हुए थे जब ट्रांसफर विंडो क्लोज कर दी गई थी। तो देखिए जितने भी जो जितने कानून थे, जितने भी जो लॉ थे, उनको वॉयलेट करते हुए इन्होंने ये ट्रांसफर को अंजाम दिया। तो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जब ये एसडीएम मेंढर थे तब भी इनके खिलाफ कंप्लेन की गई थी और कई मुलाजमों को इन्होंने तंग करके रखा था। और इनपे एक एलिगेशन ये भी है कि जब ये जम्मू में थे तो अपने जो इनके जूनियर थे उनके साथ भी इनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल आपत्तिजनक था। लोगों के साथ ये जो एलिगेशन लगाई गई हैं, गाली गलोच वगैरह भी करते थे। तो जब ये डिप्टी कमिश्नर उधमपुर थे तब भी इनके और इनका जो टेन्योर था एज वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें वो भी
कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, जिसमें इन पे ये एलिगेशन थी कि ये ना सिर्फ गाली गलौज किया करते थे बल्कि अपने जो जूनियर ऑफिसर थे उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। तो उसकी भी रिटन कंप्लेन इनके खिलाफ जो है वो लगी हुई है। तो अभी इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं कि इनको इनकी प्रीमैच्योर इनको ट्रांसफर किया जाता था, इनको तंग किया जा रहा है, इनको हरास किया जा रहा है, इन्होंने जो जल विभाग है, जल शक्ति विभाग, उसमें करप्शन की बात की है, जबकि हकीकत ये है कि इनके अंडर जो जल शक्ति विभाग था उसका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल जीरो था। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं वो ये बता रहे हैं कि बट हिज परफॉर्मेंस इवन ज्यूरिंग द फर्स्ट 3 months वॉज डिसमल, द नंबर ऑफ वर्क्स अलॉटेड एंड द नंबर ऑफ वर्क स्टार्टेड वेयर अराउंड 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, which reached to 96% and 83% respectively within 1 year of his exit from the department. देखिए इन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि जल शक्ति विभाग में काफी हेरा फेरी हो रही है, लेकिन जो हमें डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, जब इनको जल शक्ति विभाग का कार्यभार संभाला गया था वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस जो था वो बिल्कुल नाकारा था, बिल्कुल कम था, और इन्हें सिर्फ वहां पर जो काम दिया था वो 15% ही अलॉट कर पाए थे और 5% ही उसकी कंप्लीशन हो पाई थी, लेकिन इनके जाने के बाद वो जो काम है वो 96% अभी तक 96% अलॉट हो चुका है और उसमें से 83% उसकी कंप्लीशन हो चुकी है। तो अभी सरकारी सूत्रों ने हमें ये बताया है कि जो भी इन पे एक्शन किया गया है, इन पे जो ट्रांसफर किए गए हैं, वो बिल्कुल भी जाति या ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे नहीं है, बट प्योरली इनके परफॉर्मेंस के बेस पे है, और जो परफॉर्मेंस है वो इनकी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है, और इनका पूरा जो कार्यकार है जब से ये 1996 में जम्मू कश्मीर कैडर इन्हें मिला है तब से लेकर आज तक इनके परफॉर्मेंस के जो रिव्यूज हैं वो नेगेटिव ही रहे हैं। जी जैस्मिन, बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं जैसे कि आपने अभी बताया, और ये भी आरोप है कि सरकार की पॉलिसीज और सरकार के खिलाफ भी कई ट्वीट्स और रीट्वीट्स इन्होंने किए हैं, और इस तरीके के भी गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अशोक परमार ने जिस चीज़ को आधार बनाकर ये तमाम बातें कही हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके डिपार्टमेंट में, जाति क्योंकि ये अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, और इस चीज को आधार बनाकर इन्होंने जो इनके ट्रांसफर हुई है डिपार्टमेंट में, जो भी इनके साथ हुआ है उसको वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि अनुसूचित जाति से हैं और इस वजह से उनके साथ ये हुआ है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। इस तरह के मामलों में किस तरीके से कार्रवाई होती है, और सरकारी सूत्र जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही रिव्यू हुआ है, किस तरीके से रिटेलिएशन इस पूरे मामले पर होगी, और अगर कार्रवाई इस मामले पर आगे बढ़ेगी तो किस चीज को आधार बनाकर इस पर कार्रवाई आगे होगी? देखिए जैस्मिन, इन्होंने अशोक परमार ने जो चिट्ठी है इन्होंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को लिखी हुई है, इन्होंने एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय को लिखी हुई है, और ये कहा है कि इन पे इनकी जाति जो है अनुसूचित जाति से ये आते हैं, उस बेसिस पे इन पे जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये इकलौते ऐसे आईएएस ऑफिसर नहीं हैं जो एक अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन कई ऐसे और ऑफिसर भी हैं, उनके साथ अगर ऐसा कोई जाति विशेष की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा। इनका कहना ये है कि ये इसका जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो किसी भी तरह की जो इनकी एलिगेशंस है उन पे इंक्वायरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर ऐसी नौबत आती है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और कई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, जब उनके साथ कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है तो इनके साथ भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो इनके जो ये जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ये हमारे सूत्रों का कहना है। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है 2019 के बाद, तब से जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि किसी को किसी जाति मजहब के बुनियाद पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, लेकिन जो भी किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है वो एक्शन उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके खिलाफ लोगों का क्या रवैया है, वो अपनी जो ड्यूटीज है उनको किस तरह अंजाम दे रहे हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है,
सिर्फ उस बेसिस पे रहता है। और ये जो प्रूफ है वो जो इनका एसीआर है ऑफिसर्स का वो दर्शाता है। आप देख लीजिए, हमारे सूत्रों ने ये बताया कि आप ये कहते हैं कि आज मेरे साथ जाति विशेष की वजह से डिस्क्रिमिनेशन की जा रहा है, की जा रही है, लेकिन 1996 से लेकर आज तक अगर इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको जो है इनकी ट्रांसफर हो रही है, इनको जो लोग इनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अगर लोग जहां पर ये जाते हैं वहां पर लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में ये रहे हैं अगर वहां के लोग ये कह रहे हैं जूनियर ऑफिसर की हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, वो रिटर्न कंप्लेंट है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी जो जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई की कमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, और सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ये तमाम एक्शंस लिए गए हैं। तेजेंद्र जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और विस्तार से दर्शकों तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।